अस्सलाम वालेकुम, आज हम कर रहे हैं पासो का कैटलेटिक कन्वर्टर की क्लीनिंग। गाड़ी में कैटलेटिक कन्वर्टर का इशू आ रहा था, गाड़ी का कैटलेटिक कन्वर्टर ब्लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से गाड़ी में फ्यूल एवरेज का इशू आ रहा था, गाड़ी में इंजन चकलेट आ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा घुटन हो रही। इसी इशू के रिजॉल्व के लिए गाड़ी की कैट की क्लीनिंग की जा रही है, जो कि इसकी अपनी स्पेशल मशीन उसके स्पेशल केमिकल के थ्रू की जा रही है। उन लोग तेजाब का इस्तेमाल करते हैं जिससे कैटलेटिक कन्वर्टर डैमेज होता है और उसके अंदर का सेरेमिक भी ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हैं इसके अपने मशीन से इसकी केट की क्लीनिंग की जा रही है, ताकि जो केट की क्वालिटी वो मेयार बरकरार रहे, उसके अंदर का सेरेमिक भी महफूज रहे और कैटलेटिक कन्वर्टर डैमेज भी ना हो। गाड़ी की केट की क्लीनिंग के बाद जो गाड़ी में कैटलेटिक कन्वर्टर ब्लॉक हो चुका था, उसकी क्लीनिंग के बाद गाड़ी में जो साउंड का इशू आ रहा था, जो गाड़ी में पिकअप का इशू आ रहा था, और जो गाड़ी चलने में काफ़ी ज़्यादा घुटन महसूस कर रही थी, और जो गाड़ी में फ्यूल एवरेज का इशू, तमाम इशू रिजॉल्व हो जाते हैं और गाड़ी के चलने में परफॉर्मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आती है। आप देख सकते हैं कैटलेटिक कन्वर्टर काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक और चौके, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जंग आलूद पानी निकल रहा है इसका और काफ़ी ज़्यादा डस्ट आलूद है। अगर आप भी अपनी गाड़ी की एवरेज की वजह से परेशान है, या आपका गाड़ी में कैटलेटिक कन्वर्टर का इशू आ रहा है, या आपकी गाड़ी का कैटलेटिक कन्वर्टर ब्लॉक हो चुका है, आप उसकी सर्विस करवाना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।